हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग यूपी पुलिस री एग्जाम का हम लोग एनालिसिस करेंगे। जो आज की डेट में पेपर हुआ था उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर पहला, इसमें क्या दिया गया है, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो आपसे पूछा कि हानि प्रतिशत कितना है। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपको मैथ्स का सभी चैप्टर आपको फ्री में पढ़ा रखा है। क्लास नोट्स भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है। जितने भी मैंने देखा पुलिस में क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप जिन लोगों ने मेरी क्लास ली होगी तो उनको 100% सभी सवाल आते होंगे। देखिए, इसका तरीका मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर। इसका तरीका मैंने आपको ये बताया था, आप क्या करेंगे, वस्तुओं का डिफरेंस करेंगे। इनका क्या करेंगे, आप डिफरेंस करेंगे, बटे बेची गई वस्तुओं से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करें या रहने दीजिए, कर सकते हैं या रहने दीजिए। तो यहाँ से बचा कितना, 1/4। 1/4 का मान किसके बराबर होता है, आप बताएंगे सर 1/4 का मान किसके बराबर होता है, 25% के बराबर होता है। वही चीज़ें देखिए, ये जो डिफरेंस मिला है और बटे बेची गई वस्तुएं और 100 का मल्टीपल करेंगे, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, इससे कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो भी आपका 25% आएगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो 1/4 है इसका मतलब ही किसके बराबर होता है, 25% के बराबर होता है। तो पहला ही ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्या प्रश्न पूछा गया था, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। देखिए, मैंने आपको इसका भी यानी दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा रखा है। देखिए, मैंने आपको ये बताया था, जब भी इसमें पूछा कि आपसे एचसीएफ पूछा है ना, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि मैक्सिमम कितने अंक पे दशमलव लगे हैं। तो आप बताएंगे सर मैक्सिमम 2 अंक पे लगे हैं, तो सभी में क्या करिए, 100 से गुणा करिए। अगर 3 अंक पे लगा रहा था तो वह 1000 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, 5 हो जाएगा। और इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, और इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25, और इसमें करेंगे तो ये 125 हो जाएगा। अब इनका देखिए करना कि आपको एचसीएफ आपको निकालना, इनका क्या करेंगे आप एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो वह कौन सी संख्या जो इन सभी को डिवाइड करेगी, आप बताएंगे सर 5 है, तो इनका जो एचसीएफ है वह कितना आ जाएगा, 5। लेकिन आपने शुरू में क्या किया था, 100 से गुणा किया था, शुरू में 100 से गुणा किया था कि नहीं किया था, तो लास्ट में क्या करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे, 100 से भाग देंगे। जब आपको एलसीएम या एचसीएफ निकल जाएगा तो लास्ट में आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, जितने से आपने शुरू में गुणा किया था उतने ही से क्या करेंगे आप लास्ट में डिवाइड करेंगे। जब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.05। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, आप बताएंगे सर सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और यहाँ पे मुझे लगता है कुछ छोड़ गया होगा, यहाँ पे शायद 9 है, विभाजित करने पर प्रत्येक प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना रहे, 9 बचे, आपसे ये पूछा गया। देखिए, इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप इसे डिजिटल सम के प्रयोग से भी कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई एक ऑप्शन पकड़िए, जैसे मैं कितना पकड़ लूँ, 6 पकड़ लूँ, तो 6 से ऑप्शन में डिवाइड करने पर मुझे कितना शेष चाहिए, 3 शेष चाहिए। जैसे अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूँगा, 6, 8, 48 और 3 इधर गया, 6, 5, 30, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसको देखेंगे तो ये भी 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 6 से इसको डिवाइड करिए, 6, 8, 48 और 2 इधर गया, कितना हो गया, 21 हुआ कि नहीं, तो 6, 3, 18, 3 शेष बच रहा है। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, या इसको 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 या 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 कितना हो गया, 49, 1 इधर गया 1 इधर आया तो कितना हो गया, 11। अगर मैं फिर 7 से डिवाइड करूँ तो कितना, 7 एकम 7 और 4, यहाँ से देखेंगे तो 3 शेष आपका नहीं बचेगा, तो 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप इसे डिजिटल सम के प्रयोग से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, अब वह
अब वह 20 रुपए में नौ की दर से बेचता है तो उसकी हानि या लाभ का प्रतिशत कितना है, आपसे ये पूछा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर वाली क्लास में पढ़ा रखा है, बिल्कुल फ्री मैंने आपको पढ़ाया है और पेड कोर्स यानी कि एक तरह से पेड कोर्स की तरह वो समझ लीजिए जो क्लासेस है। सबसे पहले देखिए यहाँ से करना कि अगर आप इसको काट के छोटा करना चाहते हैं तो काट के छोटा भी कर सकते हैं, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिखिए। यहाँ पे कितना दिया गया, ये रुपये दिया गया, आप इसको क्या करेंगे प्राइस लिख लीजिए और यहाँ पे आप अमाउंट लिख लीजिए, कितनी वस्तुएं कितनी आर्टिकल हैं, आप बताएंगे 4 वस्तुएं हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो कितने 10 रुपये और कितने आर्टिकल है यानी 5 वस्तुएं हैं, इस रेट से ये खरीद रहा है। अगर इस रेट से ये खरीद रहा है तो आर्टिकल क्या हो, आर्टिकल को क्या करेंगे आप बराबर करेंगे। अगर आप आर्टिकल को बराबर करेंगे तो देखिए इसका 5 का गुणा इसमें कर दो, 4 का गुणा इसमें कर दो, तो ये क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। 5 का गुणा मैंने इसमें कर दिया और 4 का गुणा ला के इसमें कर दूंगा तो आर्टिकल क्या हो गए बराबर हो गए। अब इसमें भी तो 5 का गुणा करेंगे, इसमें भी 5 का गुणा करेंगे और इसमें भी 4 का गुणा करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा, इसको 40 मिलेगा तो 90 हो जाएगा, ये कितना हो गया 90। अब ये 20 और 20 कितना हो जाएगा, 20 और 20 कितना हो जाएगा, ये 40 हो गया। यानी इस रेट से वो क्या कर रहा है, ये क्रय कर रहा है यानी CP आप लिख सकते हैं, ये CP कर रहा है। अब इसे बेचना चाह रहा है, कैसे बेचना चाह रहा है, 20 रुपये में 9 की दर से बेचना चाह रहा है, इस रेट से तो दोनों मिलाकर खरीदा, दोनों मिलाकर ये इतने इस रेट से ये खरीद रहा है। अब ये इस रेट से ये बेचना चाह रहा है, अगर इस रेट से ये बेचना चाह रहा है तो आप इसको लिखिए 20 लिखिए और ये 9 लिखिए। आर्टिकल क्या करेंगे आप बराबर करेंगे, अगर आप आर्टिकल बराबर करेंगे तो यहाँ से चाहे तो आप काट के छोटा कर सकते हैं, तो आर्टिकल बराबर करने के इसका गुणा इसमें कर लीजिए और 40 का गुणा इसमें कर लेंगे, इसमें करिए तो आर्टिकल क्या हो जाएंगे बराबर। तो इसमें भी तो 9 का मल्टीपल करेंगे और इसमें कितने का मल्टीपल करेंगे, 40 का मल्टीपल करेंगे। यहाँ से देखेंगे तो वस्तुएं कितने में खरीद रहा है, इसको करिए कितना हो जाएगा ये 81 और इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 800। यानी खरीद रहा है कितने, यानी 810 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहा है, अब इसे बेच रहा है कितने 800 रुपये में बेच रहा है, तो इसे लॉस कितने का हुआ आप बताएंगे, सर इसे 10 रुपये की हानि होगी। और 10 रुपये के क्या बताना, जो हानि हो रही इसको परसेंटेज बताना, तो ये हानि हमेशा किस पर होगी, क्रय मूल्य पर होगी, तो क्रय मूल्य से आप डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, ये इससे कट जाएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे 81 एकम कितना हो जाएगा 81 एकम कितना हो जाएगा 81 मिलेगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और बचा कितना 19 और नीचे कितना हो जाएगा ये 81 ही हो जाएगा, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ये, लेकिन ये क्या हो रहा है, इसे हानि हो रही है, ये किस में, ये हानि में है, तो यहाँ पे हानि दिया है और लाभ दिया, तो हानि वाले पे टिक आप लगाएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 प्रकार की चावल की दर कितना दिया गया, 11 रुपये प्रति केजी और 21 रुपये प्रति किग्रा है, 17 रुपये प्रति किग्रा की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल किस अनुपात में मिलाया जाए। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, एलिगेशन मेथड से आप लगा लीजिए, पहला वाला चावल कितने रुपये प्रति केजी है 11 रुपये प्रति केजी है, दूसरा वाला चावल कितना है 21 रुपये प्रति केजी है, और यहाँ से किस दर से ये मिश्रण प्राप्त कर रहा है ये इस रेट से, तो 17 आप यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो गया, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 6। अब ये देखिए कट रहे तो इनको काट कर छोटा कर लीजिए, 2 रेशो कितना हो जाएगा 3। ये सब कुछ मैंने आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर में पढ़ा रखा है, बिल्कुल फ्री मैंने पढ़ाया, एक तरह से वो पेड कोर्स मैंने फ्री कर दिया था। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 12.5% की दर से एक धनराशि कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगी, आपसे ये पूछा गया। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ाया था, इस प्रश्न को मैंने आपको 3 से 4 मेथड बताया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक ही मेथड को सॉल्व, एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, जिनको अदर मेथड सीखना हूबहू मैंने क्वेश्चन वहाँ पे आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे देखेंगे 12.5% का मान कितना होता, आप बताएंगे सर 1/8 होता है, यानी ये मेरा किसका काम करेगा, प्रिंसिपल मूलधन का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का काम करेगा। अगर हम लोग ये माने कि 1 रुपये ब्याज बनने में कितना समय लग गया, 1 वर्ष का समय लग रहा है, तो
तो मुझे चाहिए कितना 8 रुपये ब्याज करना है तो कितना समय लगेगा, 1 वर्ष में 1 रुपये ब्याज बना, 2 वर्ष में 2 रुपये ब्याज बनेगा, तो इस तरह से 8 रुपये बनने में कितना समय लगेगा, 8 वर्ष का समय लगेगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 12 पुरुष और 18 महिला एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं, 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में कर सकती हैं, तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा कर सकते, आपसे ये पूछा गया। देखिए ये प्रश्न जो टाइम एंड वर्क का, ये चैप्टर भी मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी मैंने आपको 2 मेथड से बताया था, दोनों मेथड मैंने आपको बताया था, बहुत जबरदस्त बताया। देखिए अगर देखा जाए तो यहां से देखिए हमसे किससे कार्य कराने के लिए कह रहा है, 2 पुरुष और 3 महिलाओं से कराने के लिए कह रहा है। अगर ऊपर देखा जाए तो वही काम 12 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, ये लोग 10 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो इनकी संख्या क्या होगी, इनकी कितना है ये, अगर देखा जाए तो 6 गुना इसने क्या कर दिया, कम कर दिया, इसने क्या कर दिया, संख्या 6 गुना कम कर दिया, इससे ये कितना 6 गुना कम है कि नहीं, 6 गुना कम है। अगर इनकी संख्या इससे 6 गुना कम हो गई तो जाहिर सी बात है जो टाइम है वो 6 गुना ज्यादा लगेगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, 10 × 6 कितना आ जाएगा, ये 60 दिन, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत जबरदस्त तरीका ये है, और ये ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा रखा है, चैप्टर वाइज क्लास एक बार मेरी आप जरूर से देख लीजिएगा, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 8 में 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति आवर्स और 32 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं। तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछा गया। ये प्रश्न अगर देखेंगे तो हूबहू मैंने आपको ट्रेन वाले चैप्टर में पढ़ाया, जो मेरी चैप्टर वाइज वाली क्लास चल रही है, ट्रेन वाले चैप्टर में मैंने ये प्रश्न हूबहू कराया है, सेम यही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। देखिए सबसे पहले करना कि आपको, अगर इसका मतलब मैं समझाऊं, यहां से ये कोई ट्रेन चल रही है, ये कोई ट्रेन चल रही है, अब यहाँ पे आगे कोई ट्रेन है, इस ट्रेन में ये क्या कोई व्यक्ति है, ये क्या है कोई व्यक्ति, ये वाली जो ट्रेन है इस ट्रेन को नहीं पार करेगी, सिर्फ व्यक्ति से बात कहा गया, इस व्यक्ति को पार करने में 16 सेकंड का समय ले रही है, तो हमसे पूछा क्या, तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, इसकी लेंथ पूछा वो कितनी होगी। मैंने ऐसे ही क्वेश्चन अगर देखेंगे तो मेरी चैप्टर वाइज वाली क्लास ट्रेन वाला चैप्टर देखेगा, हूबहू यही क्वेश्चन है, तो ये क्या करेगा, इस ट्रेन से कंपेयर नहीं करा, इस व्यक्ति को पार करने में जो भी, यानी स्वयं की लंबाई को तो ही पार करेगा, तो यहां से देखेंगे आपको, और ये एक ही दिशा में चल रही है ना, इनकी चाल क्या 59 है और इसकी चाल कितना, ये 32 है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड पता करने के लिए इनकी चालों को क्या करेंगे आप, घटा देंगे, तो इनकी चालों को जब घटाएंगे तो 27 आ जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति आवर्स, चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय, और जो ट्रेन है स्वयं की लंबाई को पार करने में जो समय लगी और समय कितना ले रहा है, 16 सेकंड, इधर यूनिट देखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में और ये किलोमीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीपल करिए, ये 9 × 3 = 27 हो गया और 9 × 2 = 18, इसको डिवाइड करेंगे 8 हो गया, 8 × 5 = 40 और 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12, यानी जो ट्रेन है जो तेज चल रही है उसकी लेंथ कितना है आप बताएंगे, सर 120 मीटर है, तो डी वाला ऑप्शन के मैच करा। अगर आपको ये विश्वास नहीं हो रहा तो मेरी ट्रेन वाली क्लास देखिएगा, हूबहू मैंने यही क्वेश्चन वहां पे कराया है। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय, यानी इस प्लेटफॉर्म को इसको पार नहीं कराना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, पार किसको कराना, एक व्यक्ति को पार कराना है,
व्यक्ति को पार कराना कितना टाइम लगेगा आपसे ये पूछा। ये बस आपको जो प्लेटफॉर्म दिया है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। जो ट्रेन यहाँ पे चल रही वो वही ट्रेन एक व्यक्ति को अगर जो भी इसकी स्पीड आएगी अगर उसी चाल से चले तो इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति खड़ा तो इसे पार करने में कितना समय लेगा आपसे यही पूछा। तो सबसे पहले हम लोग करें कि ट्रेन की क्या करें, चाल निकालें, ट्रेन की चाल कितना है। अब देखेंगे इतनी मीटर लंबी ट्रेन है और इतनी मीटर लंबे सुरंग को पार करिए, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था, ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, सुरंग की लंबाई या पुल की लंबाई को भी पार करेगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ गया। अब देखिए डिस्टेंस पता है और टाइम पता है तो आप ट्रेन की जो स्पीड निकाल सकते हैं, चाल बराबर होता है कि दूरी बटा समय, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो ट्रेन की चाल कितना आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब देखिए मुझे ट्रेन की चाल पता चल गई, अगर ट्रेन की चाल पता चली कितनी, ये 10 मीटर प्रति सेकंड। अब ये रास्ते में कोई ये कोई प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, अब इस व्यक्ति को पार कराना है, इस व्यक्ति को पार कराना है जबकि इसकी लेंथ पता है कितना, 67 मीटर है। इसको पार करने में, व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा आपसे ये पूछा है, प्लेटफॉर्म या सुरंग को नहीं पूछा है, बस आपको व्यक्ति को पार करना है। तो व्यक्ति की कोई लंबाई होगी नहीं, इसकी लंबाई को हम लोग क्या मान लेंगे, यानी जो मोटाई वाली इसकी लंबाई को हम लोग नगण मान लेंगे। तो स्वयं की लंबाई को पार करने में जो समय लगे वही आपको बताना है। तो यहां से देखेंगे तो क्या क्या पता है, आप बताएंगे डिस्टेंस पता है और यहां से स्पीड पता है, समय पूछा है। तो समय बराबर होता क्या है, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 67 बटा कितना, 10। जब इसको डिवाइड करेंगे या नीचे देखिए, नीचे एक जीरो तो ऊपर एक रुपये क्या हो जाएगा, 10 मूल रुपये। कितने समय में पार करेंगे, 6.7 सेकेंड में पार करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% अंक यानी प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है, एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर यानी प्राप्त करता है या स्कोर करता है, वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक क्या लाया या ज्यादा लाया या अधिक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक पूछा गया आपसे, प्रतिशत में पूछा गया कितने परसेंट पाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। देखिए परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था और ट्रिक्स भी बताया था, तो यहाँ पे हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था, जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले तो क्या करेंगे आप, ये जो परसेंटेज वाले इनका क्या करेंगे आप, डिफरेंस करेंगे। तो 10% बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 10% बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। अगर 10% का मान 25 अंक है तो जो भी पेपर हुआ होगा वो अपने आप पे 100% रहा होगा। अगर मैं 10 का इधर मल्टीपल कर दूं तो 10 का इधर भी तो मल्टीपल करना होगा, तो मुझे ये पता चल गया कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, पेपर कितने नंबर का हुआ, आप बताएंगे 250 नंबर का पेपर हुआ था। अब इसमें देखेंगे तो एक छात्र जो है 20% अंक प्राप्त किया, इसका 20% अंक प्राप्त किया और 5 अंकों से फेल हो गया, या ये देख लीजिए ये 20% दीदी हमसे पूछा क्या परसेंटेज में ना, तो ये देखिए इसका 20% अंक प्राप्त किया और 5 अंकों से फेल हो गया। 5 अंक को हम लोग अगर परसेंटेज में लिखना चाहें तो कितना बोल सकते हैं, 5 अंक को अगर परसेंटेज में देखा जाए तो कितना बोल सकते हैं, टोटल प्रवाह का आपको पता है कितना, ये 250 में मतलब ये देखिए 5 है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे तो ये हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 25 और ये कितना हो जाएगा 2। 5 अंक का मतलब कितना हो जाएगा, इसके स्थान पर आप कितना बोल सकते हैं, 2% आप बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं आप, 2% बोल सकते हैं। तो पास होने के लिए परसेंटेज में कितना चाहिए, 5%, 5 अंक का मतलब 2% है तो 20% और 22, तो उत्तीर्ण होने के लिए इस तरह से परसेंटेज में कितना चाहिए, 22% चाहिए, तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। पहला ही ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, मेरी चैप्टर वाली क्लास है उसको एक बार जरूर से देख लीजिए, परसेंटेज वाला बहुत जबरदस्त तरीका मैंने आपको बताया वहाँ पे, बिल्कुल फ्री में मैंने पढ़ाया। अगर कहीं पे पैड कोर्स लेकर पढ़ेंगे तब भी आपको वैसा नहीं पढ़ाया जाएगा जैसा कि मैंने यूट्यूब पे पूरा फ्री पढ़ा दिया। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% दर से साधारण ब्याज इतना है, यानी कह सकते हैं कि एक निश्चित धनराशि है 2 वर्ष में 5% के हिसाब से साधारण ब्याज कितना देता, इतना देता है, दे रहा है कि नहीं दे रहा। 3 वर्ष के बाद समान दर से यानी रेट क्या रहे, यही रहे, समान दर पर
चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से देखेंगे तो साधारण ब्याज में ब्याज क्या होता है, कांस्टेंट। अगर एक वर्ष में 5% ब्याज बन रहा है तो दो वर्षों में कितना ब्याज बनेगा, अब बताएंगे सर 10%। और 10% का मान ही तो ये दिया गया है, अगर मैं इसमें 10 से भाग दूं और 100 से गुणा कर दूं तो मुझे मूलधन पता चल जाएगा, यानी प्रिंसिपल पता चल जाएगा ये कितना है, ये कितना है मुझे पता चल जाएगा। 10% का मान इतना है, तो 10% का मान इतना है तो अगर मैं 100 यानी जो अगर मैं इसमें क्या कर दूं 10 का और गुणा कर दूं तो ये 100% हो गया। तो बैलेंस करने के लिए इसमें भी क्या करेंगे आप, इसमें भी क्या करेंगे 10 का गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा इस तरह से 16,000 आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर ऐसे करना पड़ेगा, 10% का मान कितना 1600 था, 1600 में आप 10 से भाग देंगे और 100 का गुणा करेंगे, जो भी मूलधन रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा, इससे कटेगा तो 16,000 आएगा कि नहीं, तब भी आपका आएगा। तो प्रिंसिपल देखिए मुझे पता चल गया, अब इसी प्रिंसिपल पर पूछा कि आपसे इसी प्रिंसिपल पर और इस रेट से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहले देखिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो यहां से देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका है, मैंने आपको चैप्टर में 2-3-4 मेथड बताया था, लेकिन हम लोग यहाँ पे रेशियो मेथड से कर ले रहे हैं। 5% का मान किसके बराबर होता है, आप बताएंगे सर 1/20 के बराबर होता है। देखिए और भी मेथड मैंने बताया था वहाँ पे, तो यहाँ से देखेंगे 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज पर रहा तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा 21/20। अगर पहले देखा जाए तो 20 रुपये था, अब ये बढ़कर यानी प्रिंसिपल हो गया और यहाँ पे ये अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया, तो ये कितना हो गया 21। अब ये कितने समय बाद पूछा है, 3 वर्ष बाद पूछा है ना, तो इसका आप क्यूब करेंगे और इसका क्यूब करेंगे। अगर ये 2 वर्ष बाद पूछता तो आप इसका स्क्वायर करते, इसका स्क्वायर करते, देखिए जब इससे प्रसार करेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 8,000 हो जाएगा। और 21 का क्यूब कितना होता है, 92/61 होता है, 92/61। यहाँ से देखेंगे ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, अगर इसको घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, CI आपको मिलेगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये इसको घटाएंगे तो ये 1261 आ गया। लेकिन यहाँ पे मेरा जो प्रिंसिपल आया ये कितना है, प्रिंसिपल 8,000 है, लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे तो प्रिंसिपल कितना मुझे प्राप्त हुआ था, 16,000। तो ये इसका कितना गुना है, आप बताएंगे सर इसका ये 2 गुना है, कितना गुना है, 2 गुना है। अगर इसका ये 2 गुना प्रिंसिपल है तो ब्याज को भी क्या करेंगे आप, 2 गुना करेंगे। तो 2 गुना करेंगे तो 2 × 1 = 2 हो गया। 2 देखिए किस में दिख रहा, इस वाले में दिख रहा है, ठीक है, इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको पूरा मल्टीपल करने की भी जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए इस डेट से कहा गया 12/2/2022 11 और यहाँ पे इतने तक 15% वार्षिक 15% प्रतिवर्ष की दर से 73,000 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। अगर आप यहां से टाइम देखेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, लगभग 1 ईयर आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 साल मिलेगा। अब 1 साल में करना कि, और ये ब्याज की दर प्रतिवर्ष दिया गया है, तो आपको करना कि इस धन का 15% निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज, क्योंकि टाइम 1 वर्ष की बात हो रही है, अगर 2 वर्ष रहता तो 15 गुना कितना होता, 30% तब निकालते, लेकिन 1 वर्ष है तो 1 वर्ष में क्या हो जाएगा, 15% ही ब्याज बनेगा। तो जब इसका 15% निकालेंगे तो इसकी परसेंटेज से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 0 हो गया और 15 तिया कितना हो गया, 45, 15 तिया कितना हो गया, 45, 50 देखिए इस सब में दिख रहा है तो आगे भी मल्टीपल करेंगे, और 15 साथ कितना हो जाएगा, 105, 105 में 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा, 10,950 देखिए डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 475 रुपये अंकित और 15 यानी कोई वस्तु है जिस पर कितना रुपया अंकित किया गया, 475 रुपये अंकित किया गया, और उस पर क्या दे रहा है, 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट हुई, आपसे ये पूछा है, यानी रुपए में पूछा है। अगर ये कोई कहने, इस प्रश्न का मतलब मैं अपनी लैंग्वेज बता रहा हूँ कि अगर कोई वस्तु है इसका अंकित मूल्य आपको दिया गया, अगर इस पर ये 15% डिस्काउंट दे रहा है तो वही डिस्काउंट आपसे क्या पूछा गया, रुपए में कितना, आप मुझे ये बता दें। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, 15% निकालेंगे आप। अगर आप इसका 15% निकालेंगे, ये 15 और बटा कितना हो जाएगा, 100, तो इसका आप मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 5 कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, और 15 × 7 = 105, 15 × 7 = 105 और ये कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 12। अगर 105 में आपको कितना जोड़ना है, 105 में 12 आपको जोड़ना है,
यही ना, सॉरी 7 आपको जोड़ना है, 7 आपको जोड़ना, 112 मिलेगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से करेंगे तो कहाँगे 15 चौको 60, 60 और ये कितना हो जाएगा, ये 71 मिलेगा। और नीचे देखेंगे दो दो जीरो है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, दो अंक पे दशमलव लग जाएगा। आप बता सकते हैं जो छूट दे रहा है वो रुपए में कितना, 71.25 है, इतने रुपए की ये डिस्काउंट दे रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा गया है, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 132। पहली और अंतिम संख्या का अंतर आपसे पूछा गया है। देखिए इस प्रश्न को मैंने आपको चैप्टर में ट्रिक से भी बताया था, इसे आप डिटेल में भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं। अगर देखिए ट्रिक से मैंने क्या बताया था आपको, ट्रिक से मैंने आपको ये बताया था, जब भी अगर आपसे पहली और अंतिम संख्या का अंतर पूछे तो जितनी संख्याएं दी रहेंगी इससे क्या करेंगे आप, एक कम करके इसका डबल कर लेंगे। जितनी संख्याएं दी रहेंगी इससे एक कम करके इसका क्या करेंगे, दोगुना कर लेंगे, तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर आपको मिल जाएगा, ये इसका आंसर है। अगर डिटेल में करना चाहते हैं, देखिए 9 क्रमागत संख्याएं, 9 क्रमागत संख्याएं हैं, इस तरह से 4 हो गया, 5, 6 इस तरह से हो गया, इस तरह से करेंगे तो 9 संख्याएं। अब इनका औसत, औसत का मतलब क्या दिया गया, बीच वाला दिया गया, बीच वाला दिया गया। इससे पहले वाली देखेंगे, इससे पहले यानी कि ये सबसे छोटी यानी पहली और अंतिम वाली आपको निकालना, सभी सम संख्याएं, इससे पहले 130 आएगा, इससे पहले 128 आएगा, 126, 100 कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। इसके बाद 32 आ जाएगा, फिर कितना 34, 36, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी 32 है ना, ये 35 से 32, 34 हो गया, 36 हो गया, 38 हो गया, 40 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 140। तो इनका क्या करेंगे आप, डिफरेंस करेंगे। जब इनका आप डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 16 मिलेगा। चाहे आप ऐसे ही करिए, चाहे आप ऐसे करिए, मैंने आपको दोनों तरीका चैप्टर में बता रखा है। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, चावल के प्रति किग्रा मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम चावल कम खरीदता खरीद पाता है। चावल का प्रति किग्रा प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछा है, यानी मूल मूल्य पूछा है, नया मूल्य न पूछ करके आपसे क्या पूछा है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो सबसे पहले देखिए परसेंटेज चैप्टर में आपको ये वाला टाइप भी क्वेश्चन सॉल्व कराया था। यहाँ पे जो 25% दिया गया, 25% को आप क्या बोल सकते, 1/4 बोल सकते। अब ये वृद्धि हो रही है ना, तो 4 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 5। प्राइस कितना हो जाएगा, जो प्राइस है, जो मूल्य है, 4 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 5। अगर हम लोग मान ले कि पहले 4 रुपये था तो बढ़कर कितना हो गया, 5 रुपये। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ से देखेंगे तो अब यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये ओल्ड वाला है और ये मेरा क्या है, ये न्यू प्राइस लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ से आप कंजप्शन यानी खपत का रेशो निकालेंगे, तो इसको क्या करेंगे आप, पलट करके लिखेंगे यहाँ से कंजप्शन का, प्राइस का रेशो अगर पता चल गया तो कंजप्शन का रेशो पता करने के लिए इस रेशो को आप पलट देंगे। इतनी बात समझ में आई। अगर देखा जाए तो यहाँ से देखा जाए तो इसके जो खपत में कितने की कमी हो गई, आप बताएंगे 1 यूनिट की कमी हो गई। लेकिन यहाँ पे देखिए 6 किलो कम हो गया चावल पहले से, तो 1 यूनिट बोले या 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 6 केजी हो गया। 1 रेशियो का मान पता चल गया, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 6×6 कितना हो जाएगा, ये 30 हो गया। पहले वो उतने रुपये में कितने केजी चावल खरीदता था, 30 रुपये। अगर अब का मूल्य पूछता तो हम लोग इसमें मल्टीपल करते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या पुराना मूल्य। अगर देखेंगे तो 30 केजी चावल ये कब, ये 30 केजी चावल खरीदता था पहले, 1200 रुपये में खरीदता था। तो प्रति केजी का दाम पता करने के लिए जो 1200 रुपये में 30 केजी चावल खरीद रहा है, तो 1 केजी का दाम कितना होगा, 1 केजी का दाम पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। तो इससे ये कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 रुपये प्रति केजी। आप बता सकते कि जो चावल का पुराना मूल्य है, ओल्ड मूल्य या ओल्ड प्राइस, ये कितना है, 40 रुपये प्रति केजी है। तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। बस आप रहने दे रहे हैं, देखिए और भी क्वेश्चंस थे लेकिन जल्दी जल्दी में टाइप नहीं हो पाए, जितने भी टाइप हुए थे मैंने उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करा दिया है। कुछ क्वेश्चंस और थे लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में वो टाइप नहीं हो पाए, जितने टाइप हुए थे मैंने उतने ही प्रश्न को आपको सॉल्व करा दिया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।